अच्छा जी बच्चों, हम शुरू करने लगे हैं आज जो 2016 का सवाल आप लोगों ने फरमाइश की उसी को। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा स्पेस बना लेता हूँ। जनाबे अली, ये हमारी शीट आ गई। 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। 4 है ना बेटा? सिक्स है सर। ओहो माजरत, क्वेश्चन 6। इसका ए पार्ट भी और बी पार्ट भी है। मैं अभी आपको मैसेजेस भी देख लेता हूँ। 5 ईयर से कर रहे हैं हम, और 6 ए पार्ट जो है वो भी करना है और 6 का बी पार्ट भी करना है। कभी कभी अगर पेपर में ये ए और बी पार्ट ना बने हुए होते, ये दोनों एक ही पार्ट होते, बिलफर्श एक ही सवाल होते कंप्लीट, तो बताओ अपनी अकल से पहले क्या कंप्लीट करते, पहले क्या बनाते, बोलो। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाते, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाने से हमें पता चलता कि जनाबे अली बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ, और फिर वो प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाता। लेकिन आज के सवाल उन्होंने ऐसे एज सच लिंक किए नहीं हैं, और देखा जाए तो वो कह रहा है कि ये जफर लिमिटेड का डेटा है और हमें प्रॉफिट की अमाउंट कहीं बैलेंस शीट में कैपिटल वगैरह रिटेन अर्निंग के बैलेंस में ऐड होती हुई नजर नहीं आ रही। तो इस फर्ज की बात के तहत हम ये कह रहे हैं कि ए पार्ट अलग है और बी पार्ट अलग है। लेकिन अगर ये लिंक हो तो फिर उसूलन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें पहले उसूलन इनकम स्टेटमेंट फिर बैलेंस शीट बनाना होगा। फिलहाल अभी हम पहले 6 ए पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद बी पार्ट पे बात कर लेंगे, सही है? और आप लोग मुझसे कोई 10 12 15 20 कदम आगे चलने की कोशिश करेंगे, मैं आपको सिर्फ असिस्ट करूँगा। जहाँ आपको मुश्किल आएगी वहाँ आपको गाइड करूँगा। अच्छा जनाब, ये आ गया फॉर्मेट और अब क्वेश्चन आपके सामने। हर क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, हाँ ये बात भी है, क्वेश्चन तो 5 ईयर में है। तो चले मैं 5 ईयर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। द फॉलोइंग बैलेंस शीट डेटा इज प्रेजेंटेड बाय जफर लिमिटेड हैविंग सम मिसिंग फिगर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दीज मिसिंग फिगर एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अच्छा अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन ने कि भाई हम आपको जफर लिमिटेड का बैलेंस शीट का डेटा दे रहे हैं, इसमें कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, और आपसे वो चाहता है कि आप इन मिसिंग फिगर्स को मालूम करें और बैलेंस शीट बना के दिखाएं। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको एसेट साइड पर करंट एसेट का सम नजर आ रहा है, एग्री? यस सर। लेकिन आपको करंट एसेट में दो चीजें गायब नजर आ रही हैं, एक अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा मर्चेंडाइज। अच्छा, फिक्स एसेट एक ही अमाउंट पे मुश्तमिल है लेकिन वो भी नहीं पता, और फिक्स एसेट यकीनन करंट एसेट के साथ ऐड हुए होंगे तो आए होंगे टोटल एसेट, और वो भी इत्तेफाक से हमें नहीं पता। इक्विटी साइड पर करंट लायबिलिटी के नाम से ही है, कितनी करंट लायबिलिटीज है हमें नहीं पता, लेकिन करंट लायबिलिटीज का जो सम है वो एक ही होगा, ब्रेकअप नहीं है करंट लायबिलिटीज का। नॉन करंट लायबिलिटी भी एक ही होगी, दोनों को प्लस करके टोटल लायबिलिटीज पता चल जाएंगी। शेयर होल्डर इक्विटी 1,50,000 है लेकिन टोटल इक्विटीज हमें नहीं पता, और टोटल इक्विटीज नहीं पता तो टोटल एसेट्स भी नहीं पता। अब हम देखते हैं सवाल में कि वो कौन सा रेशियो है जो इन मिसिंग वैल्यूज को मालूम करने में हमारी मदद कर सकता है। वैसे तो आसान लफ्जों में जितनी चीजें नीचे लिखी नजर आ रही हैं, आप हर चीज का फॉर्मूला लिखते जाएं आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज उसमें आप मालूम कर सकते हैं और कौन सी मालूम नहीं कर सकते, किस चीज की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे फॉर्मूले ना करें, वन बाय वन चीजों को देखें, तो बताएं आज सबसे पहले उसने बताया इत्तेफाक से कौन सा फॉर्मूला है। दैट रेशो
अच्छा चले मान लिया भाई आपकी बात के डेट रेशियो है, मैं कहता हूँ मुझे पहले करंट रेशियो नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको डेट रेशियो नजर आ रहा है, हमने आपकी बात भी मान ली, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे नजर आ रहा है पहले करंट रेशियो जी, इससे कोई मुजायका नहीं है सर, अगर डेट रेशियो नजर आ रहा है तो पहले डेट रेशियो निकाल लें, बिल्कुल हम डेट रेशियो दिमाग में सोच सकते हैं कि डेट रेशियो क्या होता है, अब आप लोग मुझे असिस्ट करो और बताओ डेट रेशियो कैसे निकलता है क्या होता है, टोटल एसेट्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट्स से, डेट रेशियो इज इक्वल टू आप कहते हैं कि क्या करूं टोटल लायबिलिटीज को डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ओके टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, आपके कहने पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब मुझे बताएं कौन है आप में से वो खूबसूरत जो मुझे टोटल लायबिलिटीज बताएं, नहीं दी कोई भी नहीं, कोई है जो टोटल एसेट्स बताए, नो सर, नो सर, तो इसका मतलब है बेटा हम चाह के भी ये वाला फॉर्मूला अटेम्प्ट नहीं कर सकते ना, अच्छा और आप बोले सर डेट रेशियो तो बताया है ना, डेट रेशियो कितना मेरा बेटा, डेट रेशियो है 4:1 यानी 0.25, हाँ 0.25 भी लिख सकती हो और यूं भी तो लिख सकती हो 4 और नीचे 1, क्या ख्याल है ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, मुजायका तो नहीं है कोई, 4:1 4:1 का मतलब, लेकिन मसला ये बाकी दो चीजें नहीं पता, और जब बाकी दो चीज नहीं पता तो हमारे लिए ये फॉर्मूला डिस्कस करना फजूल है, अगला फॉर्मूला कौन सा है, अब हो सकता है आप बोले कोई रेशियो जबकि मेरे मुताबिक अब तो लाजमी है क्या करंट रेशियो जी, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूं सर, आपने डेट रेशियो में करंट रेशियो का वो लिख दिया है रेशियो हैं, हां माजरा चाहता हूं 0.25:1, अच्छा मजे की बात है वो भी सेम था देखा जाए तो, इसको अगर आप इसको कैलकुलेट करें क्या नाम है अपना हेमन तो बताइएगा क्या जवाब आएगा, यही आएगा, यही जवाब आएगा हेमन, आप चेक कर लो मेरा बेटा, सर ये कैसे आएगा ये वाला, अबे 4 को, अच्छा हाँ गलत बोल रहा हूँ मैं शायद, नहीं 4 upon 1 को अगर तुम डिवाइड करो, 4 को 1 से डिवाइड करोगी हाँ तो वो तो 4 आ जाएगा, सही बोल रही हो, 4 आएगा, हाँ 1 upon 4 होता तो 0.25 आता, सही है सही है सही है, वो मेरी मिस्टेक थी, आपने मुझे करेक्ट करवा दिया, अब करंट रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या है करंट रेशो का फॉर्मूला बच्चों, टोटल करंट एसेट डिवाइड बाय टोटल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लायबिलिटीज जी प्यारे बच्चों, आप करंट रेशो पता है मुझे आज सवाल में बताओ, यस सर 4:1 ठीक है, और मुझे क्या पता है मेरे बच्चों, करंट एसेट ठीक है, 25,000 करंट एसेट है 1,00,000 से डिवाइड किससे करना है टोटल करंट लायबिलिटी से, और वो हमें पता नहीं है जी, सामिया क्या करें बताओ, अच्छा जवाब निकाल लिया, शुक्रिया सामिया ने जवाब लिख के भेज दिया, ठीक है आप लोग भी निकाल, बिस्मा तुम भी निकाल चुकी होगी, 25,000 शुक्रिया बेटा,
ओके मेरा बच्चा, तो हमने कहा टोटल करंट लायबिलिटी वहां कर रही थी डिवाइड, यहाँ के करेगी मल्टीप्लाई, 4 यहाँ होगा मल्टीप्लाई, वहां जाके करेगा डिवाइड डिवाइड, तो ये बन गया सही है। और फाइनली टोटल करंट लायबिलिटीज का आंसर आ गया प्यारे बच्चों 25,000। अब जब टोटल करंट लायबिलिटी पता चल गई तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, टोटल करंट लायबिलिटी पता चल गई है, अब मेरे सामने यहाँ क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मतलब मेरे पास भी फाइवर में स्क्रीन पे नहीं है, वरना मैं आपको स्क्रीन पे जो है कर्सर की मदद से बताता मूव करके कि क्या चीज है क्या नहीं। अब करंट लायबिलिटी तो पता चल गई लेकिन अभी भी डेट हमें पता नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन एक चीज पता चल गई अगर गौर करो, टोटल एसेट, टोटल एसेट्स पता चल गए, नहीं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पता चली बस। और ये करंट लायबिलिटी हमारे अभी किसी काम की नहीं है, नहीं है, और अगर है तो बताओ कैसे, क्योंकि डेट रेशियो सिर्फ करंट लायबिलिटी के रेशियो को तो डिफाइन नहीं करता, नहीं करता। अच्छा मैं ना, मैं इसको टीचर की तरह अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बात दिमाग में रखना, मैं इसको एज अ स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। और किसने किया हुआ ये सवाल, अरीशा ने? यस सर। हाँ तो हो सकता है कि अरीशा क्या है कि एक काम करना है और वो हम अरीशा से ही पूछेंगे, और जब हम स्टक होंगे ना तब मैं पूछूंगा, सही है। तो अच्छा सामिया कहती है सर आप कंपटीशन करेंगे टोटल एसेट की, कैसे करूं बताओ, आप कह रही हो हमारे पास डेट रेशियो का वो दिया हुआ है ना सर 0.25। हौसला 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 अरीशा हौसला, अभी नहीं अभी नहीं, अभी मैं कहता हूँ अच्छा भाई डेट रेशियो हमने कोशिश की थी वो हम निकाल नहीं सके, हमने कहा हमारे पास डेटा नहीं है, टोटल एसेट अभी भी नहीं पता, टोटल लायबिलिटी अभी भी नहीं पता, हमने कहा चलो यार ऐसा करते हैं टोटल करंट करंट रेशियो पे खेलते हैं, खेल लिया, बिल्कुल स्टूडेंट की अप्रोच में बात हो रही है, अगर चलो यार इससे भी कोई ऐसी खास बात नहीं निकली, अभी भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, अभी भी कुछ नहीं हो सकता, चलो कहा क्विक रेशियो निकाल लेते हैं, तो आओ क्विक रेशियो निकालते हैं बातों बातों में। क्विक रेशियो का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, हाँ मेरा बेटा क्विक रेशियो टोटल टोटल क्विक एसेट डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटी, टोटल क्विक एसेट डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट्स नजर आ रहे हैं आपको? नो सर, नो सर, कहा अच्छा ये रेशियो सही कर दूं, 2:1 2:1 ये तीसरा फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, नहीं हाँ दूसरा या पहला, ये पहला फॉर्मूला, दूसरे का जवाब निकाल चुके हैं, तीसरे का जवाब सोच रहे हैं कि निकाल सकते हैं, तो क्विक एसिड्स का सम भी इत्तेफाक से नजर नहीं आ रहा क्यों नजर नहीं आ रहा बताओ, क्या अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज तो हमें गिवन नहीं है? अच्छा अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज क्विक एसिड होती है हमारा, ये नहीं अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल होता है ना, तो हमने कहा अकाउंट रिसीवेबल नहीं पता, फॉर्मूला है टोटल क्विक एसिड गायब है, लेकिन क्या पता है मेरा बेटा फटी हुई आंखों से देखो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, हमने कहा आओ इसमें खेलते हैं, ये खेला यानी ये खेलने के काबिल है, इसको एज इट इज लिख दिया, कहा इज इक्वल टू किस तरफ कौन आ गया बोलो, टोटल क्विक एसिड जो क्या हमें पता नहीं है, सही है। टोटल क्विक एसिड में कितनी चीजें आती हैं अपना सामिया हेमन, टोटल क्विक एसिड में कितनी चीजें आती हैं बेटा, कैश अकाउंट रिसीवेबल, हाँ और मार्केट सिक्योरिटीज, हाँ नहीं इस सवाल के मुताबिक बस ये दो आती हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें आप गिनवा सकती हो लेकिन इस सवाल के मुताबिक क्विक एसिड में दो चीजें आती हैं, एक कैश और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल। तो मेरा बच्चा टोटल को एक एसेट लिख दिए, अब टोटल करंट लायबिलिटी जो हमने बड़ी मेहनतों से निकाली मन्नतों मुरादों से वो यहाँ लिख दी, और कहा ये यहाँ और ये डिवाइड वहाँ जाके करेगी
मल्टीप्लाई तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 upon 1 is equal to यहाँ पे क्या बचा? 50 कोई कैसे कोई कैसे जी 50,000 आंसर आ गया। इसको राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के रूल के मुताबिक लिख देता हूँ। टोटल कोई एसेट निकालने के बाद इसी के नीचे अगर एक छोटी सी कंप्यूटेशन बना दें और क्या कर दें उसमें से इसी के नीचे क्या कर दूं कि मुझे पता चल जाए एक और नाम। लेस कर देंगे कैश को। लेस कर देंगे कैश को। वेरी गुड भाई, दिमाग चल रहा है माशाल्लाह। कितना? 20,000 हम कहेंगे हमें अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू पता चल गई। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू पता चल गई। हमें अब मर्चेंडाइज भी तो मालूम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अब हम कहेंगे हमें अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू पता चल गई 30,000 30,000 और 20 50 और 1,00,000 रुपए करंट एसेट में से मैं 50,000 को माइनस करूँ तो मुझे मर्चेंडाइज की वैल्यू भी पता चल गई। चले अल्हम्दुलिल्लाह, बातों बातों में करंट एसेट तो निकला है, लेकिन मसला ये फिक्स एसेट नहीं पता अभी तक। अभी तक करंट लाइबिलिटीज तो पता चल गई, लेकिन करंट लाइबिलिटी पता है? हाँ पता है, हमें करंट लाइबिलिटीज पता थी, क्वेश्चन में दी हुई है। नहीं, हमने निकाली सबसे पहले। अब हमें और क्या निकालना है? नॉन करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी निकालेंगे तो फिर हम टोटल लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। फिर हम टोटल इक्विटीज लिखने के काबिल हो जाएंगे, यानी हम आखिरी फार्मूला भी कर सकेंगे। तो अब हमने तो तीनों फार्मूले कर लिए, तो अब बताओ सामिया तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए। फिर बिस्मा से पूछूंगा, फिर एमन से, और आखिर में अरीशा से। भाई मैंने तो तीनों फार्मूले कर लिए ना, लेकिन मसला ये कि मेरे पास जो जवाब आए उन जवाबों से मैंने चेक कर लिया कि भाई क्या क्या मुझे पता चला। मुझे अकाउंट रिसीवेबल पता चल गया, मुझे मर्चेंडाइज पता चल गया, मुझे फिक्स एसेट नहीं पता स्टिल, मुझे टोटल एसेट नहीं पता स्टिल। ठीक है, जिंदा हो, मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, जी सर। तो मैं चाह रहा हूँ आप तीनों पहले मुझे बताओ, सामिया, बिस्मा और एमन। हरीशा से सबसे आखिर में पूछूंगा, क्योंकि उसने सवाल किया हुआ है, वो बोल रही थी कि मैं बताऊं, मैंने कहा नहीं अभी नहीं बताऊं। टोटल एसेट की कंपटीशन कैसे करूंगा बताओ ना मुझे। सामिया आप लिख के तो भेज रही हो, बताओ कैसे करूँ टोटल एसेट की कंपटीशन, सिखाओ कैसे करूँ। आप तीनों के पास कोई जवाब है? अब हम ये बाकी की वैल्यू कैसे निकालें? आखिर मैं अरीशा से पूछूंगा, और अरीशा सही सोच रही है, सही किया है उसने काम, जबरदस्त। भाई सामिया ने भी पढ़े लिखे होने का सबूत दिया, बोला डेट रेशो का रेशो और इक्विटी रेशो। जब हमें डेट रेशो पता चल गया तो वो डेट रेशो किसे रिप्रेजेंट करता है बताओ? इक्विटी रेशो डेट रेशो इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है, या तो मैं नहीं हूं या तुम लोग। टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट को, लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। डेट का मतलब लायबिलिटीज, डेट रेशो लायबिलिटी को शो करता है कि वो एसेट के मुकाबले में कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो कह रहा है कि भैया डेट रेशो है बकिए कितना, 0.25 is to 1
तो हम कहेंगे एक में से 0.25 है लाइबिलिटीज, तो इक्विटी रेशियो निकालने के लिए हम एक में से बोलो क्या करें, एक में से माइनस कर दें जो हमें पता है। यस सर, 0.75 आएगा। अबे क्या हो गया इसको, अच्छा हाँ गलत, हाँ जी 0.75 आ गया। ये किस चीज का रेशो निकला? इक्विटी रेशो का। इक्विटी रेशो हमें पता चल गया सर, इक्विटी रेशो से आप क्या करेंगे? अब इक्विटी रेशो से खेलूंगा ना, क्योंकि मुझे अमाउंट मिसिंग है, तो मैंने कहा मैं अमाउंट कैसे निकालूं। अब इक्विटी रेशो, सर इक्विटी रेशो कैसे खेले, इक्विटी रेशो लिखवाओ क्या होता है। चलो शाबाश, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 0.75, कॉपी कर लेता हूं, अगर यहां मैं लिखूं 0.75:1 क्या था ये 1, और इसमें 0.2 आ रहा है। कंपनी के मालिकान का पैसा, कंपनी के मालिकान का हिस्सा 0.75 है मालिकान का हिस्सा। अच्छा मेरे ख्याल है कि अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर इक्विटी रेशो 0.75 है तो इक्विटी रेशो का फॉर्मूला हमें आप ही लोगों ने माशाल्लाह बताया, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट टोटल एसेट। बताइए आप इसमें से आपको क्या पता है प्यारे बच्चों? टोटल एसेट। टोटल एसेट्स की अमाउंट कितनी दी हुई है बेटा? नहीं सर, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी पता है। नहीं, आपने बोला टोटल एसेट पता है, मैंने कहा हो सकता है पता हो भाई हरीशा, टोटल एसेट तो पता करने हैं, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी क्वेश्चन में दी हुई है 1,50,000। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ के देख ले भाई एक बार, कम से कम पूछोगे तो बता दूंगा। ये टोटल एसेट यहाँ कर रहा है डिवाइड, वहां जाके करेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर मैंने कहा ये टोटल एसेट यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.75। सही है, कंफ्यूज है तो बता दें कैसे हुआ है क्या हुआ है, समझाऊं? आ गया सर। सही, फाइनली सर आपने डिवाइड क्यों किया है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना बेटा, गलत कर दिया क्या? नहीं सर सही किया बच्चा, टोटल एसेट यहाँ डिवाइड कर रहा था, टोटल एसेट यहाँ के इसके साथ क्या होगा ईशा अपना ईमान, इक्वेशन यू हो जाएगी ना, टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड। हेमन नहीं समझ आया तो बोलो, शाबाश हौसला करो हौसला, हेमन बता ही नहीं रही उसे समझ आ रहा है या नहीं। सर आ गया। आ गया पक्का? जी सर। तो भाई इसको हमने डिवाइड कर दिया, हमें पता चल गया टोटल एसेट।
लाख रुपए के टोटल एसेट्स पता चल गए, आप लोगों को भी पता चल गया बताओ? Yes, चारों को दुश्मा जिंदा जी सर, वेरी गुड, जबरदस्त। अब अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स एसेट का जवाब तो तुम निकाल भी चुके होगे। यस सर। लेस करंट एसेट्स 1 लाख रुपए की, फिक्स एसेट का आंसर आ गया। अब क्या निकाल सकते हैं बताओ? टोटल इक्विटीज का भी आ गया आंसर 2 लाख। और जब टोटल एसेट 2 लाख हैं तो अंडरस्टूड टोटल इक्विटीज भी 2 लाख हैं, वेरी गुड। और जब टोटल इक्विटीज पता चल गए तो टोटल इक्विटी में से शेयर होल्डर इक्विटी सब बच्चे कर देंगे माइनस। सामिया टोटल इक्विटीज में से टोटल शेयर होल्डर इक्विटी माइनस कर दो, बताओ कितना जवाब आया? 50,000 का नाम बोलो क्या है? टोटल लाइबिलिटीज 50,000 रुपीज है, और 50,000 में से करंट लाइबिलिटी कितनी है मेरा बेटा? 25,000। तो नॉन करंट लाइबिलिटी भी है 25,000। बताओ किसी किस्म की तकलीफ? वैसे तो तुम लोगों ने ये सवाल डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो ये जो सवाल मैंने शो किया था इसको प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर सकते हो अगर चाहो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ना करो तो तुम्हारा मसला। एक सवाल है इसमें भी इसी तरह रेशो दिए हैं और जरा ज्यादा रेशो हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है 25-26 रेशो नहीं, 5-6-7 रेशो हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है और आपको इस डेटा को कम्प्लीट करना है। बहरहाल ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये कि आप में से जो लोग, क्योंकि 5 ईयर में ऐसा सवाल और है, बताओ पता है कब आया था? 1993 में आया था एक सवाल, 1993। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा सवाल आया, उसके बाद बस यही सवाल आया 2016 में। समझ गए आप मेरी बात? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं जी सर, तो 1993 और 2016। तो अब आखिरी चीज, आपको ये सवाल इसीलिए दिखा रहा था, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप घर पे कर लीजिएगा। अब हम फाइनली चलते हैं इनकम स्टेटमेंट की जाने और इनकम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। सवाल यहाँ स्क्रीन पे नहीं होता ना तो मुझे देखना पड़ता है, एक मिनट जरा पानी। अब आप अंदाजा लगाएं मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है आपको, करने में इतना टाइम नहीं लगता और 10 नंबर आपके आराम से हो जाते हैं, और बाकी 10 नंबर के लिए इनकम स्टेटमेंट है। कंप्यूटर मिसिंग वैल्यूज ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, और बताइए आप लोगों ने अटेम्प्ट तो नहीं किया हुआ, लेकिन अगर मैं गलत ना हूँ तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद आया जी सर? उसमें फाइनेंशियल, उसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट की एक बार अमाउंट गायब थी अगर आपको याद हो, वो जिसमें 26 × 1/6 करके ऐसे कुछ था। यस सर। तो उधर भी तो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट सिखाया था। आप चाहते हैं मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं सॉल्व करने को तैयार हूं, फिर सवाल पढ़ लें मेरे साथ। नेट सेल गायब, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है? 40% ऑफ नेट सेल। जब तक नेट सेल पता नहीं चलेगी ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यकीनन ये दोनों चीजें पता करके हम निकालने के काबिल होंगे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी जुमला लिखा है कि वो कितने परसेंट होगा? नेट सेल का 20%। नेट सेल का 20%। 20 या 25? 25
अबे यार मेरी फाइल में तो 25 लिखा है, या मैं गलत पढ़ रहा हूँ? मेरे पास भी सारा 25 लिखा है भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% ऑफ नेट से लिखा है हम लोगों के पास। अगर आप कहते हैं इसको 20% ऑफ नेट सेल कर ले तो मैं करवा देता हूँ, फिर सबको करवाऊंगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर 20 लिखा हुआ है मेरे पास। चलो भाई 20 कर लो यार, तीन लोगों के पास 20 लिखा हुआ है। अरीशा के पास 20 है, सामिया ने भी 20% बताया, और मेरे पास भी 20। ठीक है भाई, ठीक है। बस विस्मा के पास 25% है ना? जी सर। चलो कोई बात नहीं, इन तीनों की बात मान लेते हैं। और अब आगे क्या लिखा है, इनकम बिफोर इनकम टैक्स। इनकम बिफोर इनकम टैक्स यानी टैक्स लगने से पहले की आमदनी नहीं पता, और नेट इनकम बिजनेस की है बताओ कितनी? 32,000। अब इनकम बिफोर इनकम टैक्स कितने परसेंट इनकम टैक्स लगा वो फिलहाल हमें लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे कुछ अमाउंट लिखे हैं अगर आप देखें तो। आइए जरा उनको गौर से देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन मार्क, फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस क्या होंगे बेटा? इनकम बिफोर इनकम टैक्स से, वैसे तो ऑपरेटिंग लेस होंगे, फाइनेंशियल चार्जेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस होने चाहिए, और जब इनकम बिफोर इनकम टैक्स आ जाएगा तो उसमें से लेस होंगे। बोलो क्या? इनकम बिफोर इनकम टैक्स आएगा तो उसमें फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस इनकम बिफोर इनकम टैक्स में से लेस करेंगे, इनकम टैक्स एक्सपेंस जो आगे नजर आ रहा है।